नमस्कार दर्शकों, मैं दीक्षा कुमावत आज आपका नन्ही दुनिया में हार्दिक स्वागत करती हूँ। नन्ही दुनिया मतलब इन नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चों की दुनिया। आज हम यहाँ पे बच्चों बहुत सारी बातें करेंगे, कुछ जानकारी लेंगे और कुछ खेलेंगे भी। तो हमें पेड़ लगाना ज़रूरी है, जैसा आप सबने मुझे बताया। क्यों ज़रूरी है? एक एक करके ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिलती है और फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलती है। ओके वुड मिलती है और एप्पल में मिलते हैं, ऑक्सीजन भी मिलती है। वेरी गुड। फ्लावर्स और क्या होता है पेड़ों से? पेड़ हमारे लिए बारिश लाते हैं जिसकी वजह से फसलें उगती हैं। शाबाश बच्चे, पेड़ हमारे लिए बारिश लाते हैं जिससे हमें फसलें मिलती है और हम खाना खा पाते हैं। तभी आपको सब मिलेगा, जब तक किसान फसल नहीं उगाएगा तब तक आप कुछ ही नहीं खा सकते। अच्छा, तो और कोई बच्चे को कुछ पता है अपने इंडिया के बारे में? कुछ पता है भारत के बारे में? चिड़िया वाला सोना नहीं बच्चे, सोने की चिड़िया। आप सब तैयार हैं? हाँ। तो सब बच्चे कुछ अलग अलग सीख कर आए? हाँ। ओके, सबसे पहले मुझे कौन सुनाएगा? अच्छा ओके, आपसे स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज सुहासिनी कवर, मैं कक्षा प्रापे की छात्रा हूँ। मैं आपको एक कविता सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है भारत माँ के सवाल। चू 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 चिड़िया चिया की मह 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 कलिया मह की, पूर्व शान है लाली घोली, भारत माँ बेटों से बोली। भारत माँ बोली कौन करेगा मेरा आंगन हरा भरा खुशहाल, बोलो कैसे सुलझाओगे मेरा एक सवाल। भारत माँ बोली मैं खेतों में उगा कर दूंगा खुशहाल, माँ मैं हल से हल कर दूंगा तेरा एक सवाल। भारत में बोली कौन करेगा मेरी रक्षा, बोलो मेरे लाल कौन मुझे मजबूत करेगा मेरा एक सवाल। सैनिक बोला मैं सीमा पर डरा हुआ हूँ तेरा प्यारा लाल, शत्रु भगा कर हल कर दूंगा तेरा एक सवाल। भारत में बोली कौन करेगा अपने श्रम से मुझको माला माल, कौन पसीना बहा सकेगा मेरा एक सवाल। मजदूर बोला मैं मेहनत खुश मेहनत करके कर दूंगा तुझको माला माल, बहा पसीना हल कर दूंगा तेरा एक सवाल। भारत में बोली हिल मिल कर सब काम करोगे कर दोगे खुशहाल, सचमुच बेटो हल कर दोगे मेरे सभी सवाल। वेरी गुड। तो हमारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे, आपका नाम सुहासिनी था ना? सुहासिनी ने बहुत अच्छा सुनाया। अब अगला बच्चा कौन सुनाएगा? लो अब आप सुनाओ। नमस्कार, मेरा नाम सुशीवती, मैं आपको कविता सुनाने जा रही हूँ। उसका शीर्षक है मेरा प्यारा देश। प्यारा प्यारा मेरा देश, सजा सवारा मेरा देश, दुनिया जिस पर गौर करे मैं सितारा मेरा देश, चांदी सोना मेरा देश, सफल सुनोना मेरा देश, सूरज जैसे आलोकित सुखा कोना मेरा देश, फूलों वाला मेरा देश, झूलों वाला मेरा देश, गंगा यमुना की माला का फूलों वाला मेरा देश, आगे जाए मेरा देश मत मुस्काए मेरा देश, इतिहास में ही बार जुड़ कर नाम लिखाए मेरा देश। धन्यवाद, मुझे आशा है कि आपको मेरी कविता पसंद आई होगी। तो बच्चे हमें आपकी कविता बहुत पसंद आई है ना बच्चों? अच्छा, तो भारत का दूसरा नाम पता है किसी बच्चे को? मैं।
जयपुर नहीं होता बच्चे, बोलो सोने की चिड़िया। अच्छा, भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता है? क्योंकि वेरी गुड, यहाँ सारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है मतलब। अच्छा, अब अगला बच्चा आप सुनाएंगे? ठीक है, लीजिए आप सुनाइए। नमस्कार, मेरा नाम ज्योति बालवानी है। मेरी कविता का शीर्षक है मेरा भारत। भारत मेरा प्यारा देश, सब देशों से न्यारा देश। हिंदू मुस्लिम भाई भाई मिलकर रहते सिख ईसाई। उसकी धरती सोना उगले, ऊंचा हिमगिरी बड़ा सलोना। सागर धोता उसके पाँव है उसके अलबेले का। जय भारत जय हिंद, धन्यवाद। वेरी गुड। तो अब अगला बच्चा कौन सुना रहा है हमें कुछ? चलिए पीछे से बड़े बच्चों से करते हैं स्टार्ट, आप सुनाइए। नमस्कार, मेरा नाम मानवी सैनी है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। बहुत समय पहले एक राजा थे, उन्हें पशु पक्षियों से बहुत प्यार था। वे हमेशा पशु पक्षियों से मिलने वन में जाते रहते थे। एक दिन वे हमेशा की तरह पशु पक्षियों से मिलने वन में गए, पर अचानक आसमान में बादल छा गए और ज़ोर से बारिश होने लगी। बारिश के कारण राजा को कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए वे रास्ता भटक गए। किसी तरह रास्ता ढूंढते ढूंढते वे जंगल के किनारे पहुंच गए। वहां पर एक बड़े से पेड़ के नीचे राजा बैठ गए। राजा को बहुत भूख लगी थी और प्यास भी, साथ ही साथ वो थके हुए भी थे। तभी उन्हें दूसरी ओर से आते हुए तीन बालक दिखाई दिए। उन्होंने बालकों को बुलाया और कहा, बच्चों मेरे पास आओ, मेरी बात सुनो। मुझे बहुत भूख और प्यास लगी है, क्या तुम मुझे खाना और पानी दे सकते हो? तीनों बालक हंसते हंसते बोले, हाँ यहीं पास ही में मेरा घर है, हम अभी आपके लिए खाना लाते हैं। बालक खाना लाते हैं और राजा भोजन कर चुके होते हैं। राजा उनके व्यवहार से बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, बच्चों मैं तुम्हारे व्यवहार से बहुत खुश हुआ, तुम मुझसे जो चाहे वो मांग सकते हो। पहला बालक बोलता है, मुझे धन और बड़ा सा बंगला चाहिए। राजा उसे धन और बंगला दे देते हैं। दूसरा बालक बोलता है, मुझे धन और दौलत चाहिए क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ। राजा उसे धन और दौलत दे देते हैं। तीसरा बालक बोलता है, मुझे पढ़ लिख कर विद्वान व्यक्ति बनना है। राजा उसका उत्तर सुनकर बहुत खुश होते हैं और उसे और उसकी शिक्षा का इंतज़ाम करवा देते हैं। समय बीतता जाता है और एक दिन बाढ़ आ जाती है। पहले बालक का सारा धन और बंगला पानी में बह जाता है और दूसरा बालक वो तो धन के कारण आलसी हो गया और घर में बैठे बैठे मौज मस्ती करता था। एक दिन उसका सारा धन खत्म हो गया। और रही बात तीसरे बालक की, वो तो पढ़ लिख कर बहुत विद्वान व्यक्ति बन चुका था और मंत्री भी। एक दिन पहला बालक और दूसरा बालक दोनों तीसरे बालक के पास जाते हैं और पूछते हैं, मित्र तुम्हारे पास इतनी धन दौलत कैसे आई? तीसरा बालक उत्तर देता है, मैंने बचपन में राजा से शिक्षा मांगी थी, इसलिए मैं शिक्षा से पढ़ लिख कर बड़ा विद्वान व्यक्ति बन चुका हूँ और राजा ने मुझे राज्य का मंत्री भी घोषित किया था। क्या तुम नहीं जानते शिक्षा ही सबसे बड़ा धन है? इस कविता से हमें शिक्षा मिलती है कि शिक्षा ही सबसे बड़ा धन है। धन्यवाद। अच्छा, अब अगला बच्चा हमें कौन सुनाएगा? हाँ, अब अगला बच्चा हमें कौन सुनाएगा, आप सुनाइए। मेरा नाम चार्वी श्रीवास्तव है। मैं आपको एक कविता सुनाने वाली हूँ जिसका शीर्षक है आम की टोकरी। 6 साल की छोकरी भरकलाई टोकरी, टोकरी में आम है,
नहीं बताती दाम दिखा दिखा कर टोकरी हमें बुलाती छोकरी हमको देती आम है नहीं बताती नाम है नाम नहीं है पूछना हमें आम है चूसना। तो अब अगला बच्चा कौन बोलेगा? मैं। आप बोलो। मैं नाम है तनवीर मंजूरी। बच्चा भी अरे वाह नाना जी ने चेला चाहे चा उच्चा चिलचा मई रहा चा जदम भराया पैर के चिलचा आया जी जी पर रहा मुझे निकला आए राम। अरे वाह अरे वाह। तो अब अगला बच्चा आप सुनाइए। एक दिन एक लोमड़ी बाहर घूम रही थी तो उसने एक सारस देखा तो उसने मस्ती करने को सोचा और फिर उसने रात के खाने के लिए उसे बुलाया था और फिर दो कटोरी में सूप डालकर ना लोमड़ी पी रही थी और सारस का मुंह सूप तक पहुंच नहीं पा रहा था तो फिर वो वहां से चला गया तो समझ गया था क्या वो मस्ती कर रही थी तो फिर सारस ने रात के खाने के लिए लोमड़ी को बुलाया और दो सराई में डालकर सूप सारस पी रहा था और फिर लोमड़ी का मुंह सूप तक पहुंच नहीं पा रहा था तो वो वहां से चली गई इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है ऐसे को तैसा। वेरी गुड बच्चों तालियां बजाइए। अब इससे सबको पता चला जैसे को तैसा। तो अब हमें आपकी कहानी से बहुत अच्छी शिक्षा मिली जैसे को तैसा। अब अगला बच्चा बोलेगा लीजिए आप बोलिए। मेरा नाम मन्नत सैनी है। मेरी कविता का शिक्षक है भारत सुप्पू। धीर तुम बड़े चलो हाथ में ध्वजा रहे बादल सजा रहे ध्वज कभी झुके नहीं दल कभी रुके नहीं धीर तुम बड़े चलो सामने पहाड़ हो सिंह की दहार हो तुम निरहटो वहीं धीर तुम बड़े चलो मेघ गरजते रहे बिजलियां तड़क उठे धीर तुम बड़े चलो प्रात हो की रात हो संग हो ना साथ हो चंद्र से बड़े चलो धीर तुम बड़े चलो धन्यवाद। वेरी गुड बच्चे हमारे वीरों के लिए थी ये पोयम। वीर पता है कौन थे किसी को नहीं पता राजा जिन्होंने हमारे भारत को आजादी दिलवाई। हाँ अब अगला बच्चा आप बोलिए। मेरा नाम सोहा खान है। मेरा टॉपिक है नेचुरल एनवायरनमेंट जिसे हम आम भाषा में पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण आज गंभीर चिंता का विषय बन गया है। धरती पर आप जिस किसी चीज़ को देखते हैं और महसूस करते हैं वह पर्यावरण का एक हिस्सा है। इसमें मानव पेड़ पौधे जीव
जीव जंतु और के अलावा हवा, पानी और ऊर्जा को शामिल किया गया है। धन्यवाद। वेरी गुड। बच्चों सबको पता है नेचुरल एनवायरनमेंट मतलब पर्यावरण, उसके बारे में सबको पता है? तो सबको भी पता होगा कि अभी कितना ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, उसकी वजह से अपना पर्यावरण दूषित होता जा रहा है। तो अपन को उसके लिए क्या करना चाहिए? पेड़ उगाने और गाड़ियाँ कम। वेरी गुड। हमें गाड़ियाँ कम से कम यूज करनी चाहिए। अगर कोई चार लोग एक ही जगह जा रहे हैं तो सब साथ में भी जा सकते हैं, चार अलग अलग गाड़ियाँ लेने की जगह, ये होती है कारपूलिंग। ठीक है बच्चों, अब सब यही करना। तो अगला बच्चा हमें कौन सुनाएगा? मेरा नाम माही सैनी है। मैं मेरे पापा के लिए कुछ कहना चाहती हूँ। मंजिल दूर है, सफ़र बहुत है, छोटी सी ज़िंदगी की फ़िक्र बहुत है। ये दुनिया तो मुझे कब की मार डालती, लेकिन पापा के प्यार में असर बहुत है। चाहे कितने अलार्म लगा लो, सुबह उठने के लिए तो पापा की एक आवाज़ ही काफ़ी होती है। ज़िंदगी में एक शख्स का हमेशा ख्याल रखना पापा, जिसने तुम्हारी हर जीत के लिए अपना सब कुछ हारा हो। चुप्पी से देखभाल सिर्फ एक ही शख्स कर सकते हैं, पापा। मिलने को तो हज़ारों लोग मिल जाते हैं, लेकिन हज़ारों गलतियां माफ़ करने वाले पापा दोबारा नहीं मिलते। ज़िंदगी जीने का मज़ा तो आपसे मांगे हुए सिक्कों से था पापा, हमारी कमाई से तो ज़रूरतें भी पूरी नहीं होती। स्वर्ग माँ के कदमों में और इस स्वर्ग के रक्षक पापा होते हैं। आई लव यू पापा। लगता है माई पापा की लाडली हो, इससे पता चला कि ये अपने पापा की लाडली। सारी बेटी अपने पापा की लाडली होती है, प्रिंसेस, डैडीज प्रिंसेस। ओके, अब नेक्स्ट बच्चा कौन बोलेगा? नेहल बोलो आप। नमस्कार मेरे दोस्तों, मेरा नाम नेहल अग्रवाल है, मैं कक्षा यू के जी में पढ़ती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है, मैं बोलूं, पेड़ों है पेड़ों हरा भरा सा पेड़ों, फल तुमको देता हूँ, छाया तुमको देता हूँ, प्रजीवन मेरा नहीं है, कर दिया तुम बनाचा, पानी मुझको देते तुम हरा भरा हो गया तब, जितना हूँ मैं हरा भरा उतनी ही बारिश में लाता। सारे बच्चे याद रखो, पेड़ों का सम्मान करो। धन्यवाद। तो बच्चों हमें पेड़ बहुत सारे लगाने चाहिए, उससे हमें क्या मिलता है? मैंगो। मैंगो नहीं बच्चे, पेड़ से हमें क्या मिलता है? ऑक्सीजन। वेरी गुड। अब नेक्स्ट बच्चा आप बोलिए। मेरा नाम नीति गुप्ता है, मैं आज आपको मज़ेदार शायरी सुनाने वाली हूँ। तो अर्ज किया है, इरशाद इरशाद बच्चे बोलो। ना तलवार की धार से, ना तलवार की धार से, ना गोलियों की बौछार से, ना गोलियों की बौछार से, बंदा डरता है सिर्फ अपने पापा की मार से। वाह वाह वाह। तो अर्ज किया है, आंखों से आंखें मिलाकर तो देखो, आंखों से आंखें मिलाकर तो देखो, एक बार हमारे पास आकर तो देखो, मिलना चाहेंगे सब लोग तुमसे, मिलना चाहेंगे सब लोग तुमसे, एक बार मेरे दोस्त साबुन से ना कर तो देखो। वाह 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 वाह। तो थैंक यू। अरे वाह बच्चे, शायरियां तो बहुत अच्छी थी, तालियां तालियां। ठीक है, तो अब अगला बच्चा हमें कौन सुनाएगा? मैं। आप सुनाइए। मेरा नाम कनिष्का विनोचा है, आज मैं आपको एक कविता सुनाने जा रही हूँ, उसका शीर्षक है नारी शक्ति। मैं दुर्गा माँ की शक्ति हूँ, मैं भी पढ़ लिख सकती हूँ, माता पिता की सेवा जानू, अपने फर्ज को मैं पहचानू, जब थी इस दुनिया में आई, सारे शहर में बाटी मिठाई, मुझको लाड़ प्यार से पाला, स्कूल भेज सिखाई वर्णमाला,
मैं अपने घर की शान हूँ। धन्यवाद। वेरी गुड बच्चे। तो सबको पता है बेटियां तो घर की शान होती हैं। बेटी बेटे से कम नहीं होती ना। वेरी गुड। तो अब अगला बच्चा लो बच्चे आप सुनाओ। माय नेम इज आरा शर्मा। आई स्टडी इन प्रेप क्लास। टुडे आई एम गोइंग टू राइट अ पोएम। टाइटल ऑफ द पोएम इज हम होंगे कामयाब। हम होंगे कामयाब। हम होंगे कामयाब। हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। हम होंगे कामयाब एक दिन। हम चलेंगे साथ साथ, डाले हाथों में हाथ। हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। होगी शांति चार और, होगी शांति चार और एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। होगी शांति चार और एक दिन। नहीं डर किसी का आज, नहीं डर किसी का आज एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। नहीं डर किसी का आज एक दिन। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। हम होंगे कामयाब एक दिन। थैंक यू। वेरी गुड बच्चे, आपने बहुत अच्छा सुनाया। अब नेक्स्ट बच्चा हमें। मेरा नाम है प्रीति श्रीवास्तव। आलू बोला मुझको खा लो, मैं तुमको मोटा कर दूंगा। पालक बोली मुझको खा लो, मैं तुमको काटे दे दूंगी। साथ में मूली और गाजर बोली, अगर हमें भी खाओगे तो खूब बड़े हो जाओगे, खूब बड़े हो जाओगे। वेरी गुड बच्चे। तो बच्चों समझ आया, हमें सब्जियां खाना बहुत जरूरी होता है। हाँ, सब्जियाँ हमें स्ट्रॉन्ग बनाती है और एनर्जी देती है, जिससे अपन खेल भी पाते हैं और पढ़ने के लिए हमारा माइंड भी चलता है। ओके, अपन का दिमाग तेज होता है। हाँ, सबको पता है मतलब। वेरी गुड। तो अब अगला बच्चा आप सुनाइए। बच्चे कहाँ खोए हुए हो? चलो अब आप सुनाओ। Eating sugar, no papa. Telling lie, no papa. Open your mouth, ha ha ha. Very good, बच्चे आपने बहुत अच्छी पोयम सुनाई। तो दर्शकों, इसी के साथ हमने आज बच्चों से बहुत सारी बातें करी, कुछ नई नई जानकारियाँ भी हासिल करी और बच्चों ने हमें अच्छी अच्छी कविताएँ, कहानियाँ और कुछ शायरियाँ सुनाई। तो इसी के साथ आज हम इस कार्यक्रम की यहाँ समाप्ति करते हैं। धन्यवाद। हम अगली बार फिर मिलेंगे कुछ ऐसे नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ।